हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं हरियाणा की एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे यूपीबीसी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड आईएस 4985-2000 के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हम रॉ मटेरियल मिक्सिंग यूनिट में पहुँच चुके हैं। इसमें हम रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो पीछे मशीनरी दिख रही है, रॉ मटेरियल को मिक्स करने वाली मशीनरी है। तो कैसे मिक्स करते हैं, चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले रॉ मटेरियल को मिक्स करने से पहले इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूपीबीसी पाइप बनाने में यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो रेजिन यूज़ किया जाता है, रेजिन, कैल्शियम, वन पैक, सीएस, एसए, पीवैक्स, सिटेनियम, कार्बन, डीओपी और सीपी। ये सारे रॉ मटेरियल हम पाइप बनाने में यूज़ कि आप देख रहे होंगे। रॉ मटेरियल मिक्स होने के बाद इस मेस से इसको चाल लेते हैं, जिससे कि कोई स्टोन पार्टिकल या लोहे का टुकड़ा जो है अंदर जो है ना जा पाए, क्योंकि इसके बाद जो है इस रॉ मटेरियल को हम सक करके एक्सट्रूडर में भेजते हैं। तो उसके बाद फिर आगे जो है पाइप बनाने का प्रोसेस चलता है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, रॉ मटेरियल सबसे पहले मिक्स करते हैं। जितने सारे रॉ मटेरियल हैं इसके सहारे इस लेडर के सहारे ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाके जो ऊपर जो है हूपर बना है उसमें डाल देते हैं जितने सारे रॉ मटेरियल हैं। उसके बाद ये रॉ मटेरियल मिक्सिंग मशीन जो है इसको मिक्स करके नीचे गिराती है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से उठाते हैं, फिर उधर जो लड़का उसको चाल रहा था उसमें उस मेस में डालते हैं, जिससे कि कोई कंकड़ पत्थर को उसको बाहर निकाल सकें, सेग्रीगेट कर सकें। उसके बाद फिर उसको ऊपर में भेज। रॉ मटेरियल को मिक्स करने के लिए यहाँ पर कई सारे आपको विक्सर मशीन दिख रही होगी। इनके पास काफ़ी सारे एक्सट्रूडर हैं, इसलिए जो है प्रत्येक एक्सट्रूडर के लिए एक अलग से इन्होंने मिक्सर मशीन रखी हुई। इस पाइप के सारे रॉ मटेरियल एक्सट्रूडर में जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे सेम उसी की तरह ये भी सेग्रीगेट कर रहे हैं, स्टोन पार्टिकल और आयरन पार्टिकल अगर होगा उसको सेग्रीगेट कर लेंगे इस मेस के द्वारा। रॉ मटेरियल को सेग्रीगेट करने के बाद एक्सट्रूडर में भेजेंगे सक करके, फिर उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इनके पास जो है काफ़ी सारी मिक्सर मशीनें हैं। इनके पास लगभग टोटल 4 मिक्सर मशीनें और 4 एक्सट्रूडर, सबके लिए जो है हर एक्सट्रूडर के लिए अलग अलग मिक्सर मशीन है। तो उसके बाद रॉ मटेरियल मिक्सिंग यूनिट हो गई। उसके बाद अब चलते हैं एक्सट्रूडर यूनिट में, जहाँ पर एक्सट्रूडर लगे हुए हैं उसमें चलते हैं। फ्रेंड्स, हम एक्सट्रूडर यूनिट में पहुँच चुके हैं। तो आप मेरे पीछे जो मशीनरी देख रहे हैं यही एक्सट्रूडर मशीन है जो कि काफ़ी बड़ी है, और पीछे इसमें पाइप की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसके सारे प्रोसेस के बारे में। रॉ मटेरियल को मिक्स करने के बाद जब पीछे भेजते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस। रॉ मटेरियल उधर हम पीछे मिक्स कर रहे थे, मिक्स करने के बाद उसको सेग्रीगेट करके इसी पाइप के थ्रू जो है भेजते हैं। इस पाइप के थ्रू रॉ मटेरियल ऊपर जाता है सक करके हूपर में, हूपर से जो है फिर नीचे आता है। नीचे जो है इधर जो है आगे जो है बैरल लगे हुए हैं, ये जो दिख रहा है आपको ये बैरल है। बैरल जो है हीट होते हैं, फिर रॉ मटेरियल ऊपर से जब नीचे आता है उसको हीट करके बैरल के थ्रू और रॉ मटेरियल को आगे पहुंचाता है। ये जो है ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिस्प्ले हैं। ऊपर जो है बैरल का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, नीचे वाले से डाई का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। ये भी एक कंट्रोल डिस्प्ले है। उसके बाद जब रॉ मटेरियल जो है बैरल के थ्रू आता है तो डाई, साइजर और मिनरल से उस पाइप की डाया और थिकनेस मेंटेन की जाती है। उसके बाद जो है पाइप आगे बन के निकलती है। इसमें एक चीज़ और यूज होती है जिसको देसी भाषा में गुल्ला बोलते हैं, डाई के अंदर जो है इसको लगाया जाता है। उसके बाद फिर पाइप आगे वाला जो दिख रहा है साइजर है, उसके पीछे डाई है, फिर उसके बाद पाइप जो है बन के निकलती है। जब पाइप साइजर से आगे निकलती है तो बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो इसको कूल करने के लिए चिलर से जो है ठंडा पानी जो है इसके ऊपर डाला जाता है। उसके बाद फिर पाइप धीरे धीरे आगे निकलती रहती है एक्सट्रूडर से। फिर उसके बाद ये जो है कन्वेयर एक तरीके से होता है, ये पाइप को आगे खींचता रहता है। इसके बीच से पाइप निकलती है तो पाइप आगे जाती है। उसके बाद ये होती है प्रिंटिंग मशीन, ये पाइप के ऊपर प्रिंट करती है। देखिए जो प्रिंटिंग मशीन है प्रिंट कर रही है, 10 kg/cm² की पाइप है, 315 mm इसकी डाया है, UPVC पाइप है। तो ये होते ये प्रिंटिंग मशीन का काम होता है, ऐसे ही प्रिंट करती है प्रिंटिंग मशीन पाइप को। फिर उसके बाद फिर पाइप जब आगे जाती है
एक्सट्रूडर से पाइप निकलती रहती है कन्वेयर के थ्रू, फिर आगे जाती रहती है। उसके बाद इसके नीचे जो है कटर लगे होते हैं, एक कटर जैसे जैसे ही ये पाइप 6 मीटर की हो जाएगी ऑटोमेटिक जो है एक कटर मशीन जो है चलने लगेगी और जो है इसको सेपरेट कर देगी काट के। फिर आगे से फिर कन्वेयर से पाइप आती रहेगी एक्सट्रूडर के थ्रू, फिर उसके बाद फिर ये 6 मीटर हो जाएगी, फिर काटता रहेगा। देखिए कैसे काट रहा है कटर, 6 मीटर की पाइप जो है सेपरेट हो जाएगी, फिर इसको अलग कर लिया जाएगा, फिर आगे आएगी, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, पूरा प्रोसेस चलता है इसी तरीके से। इंडिकेटर है, इससे पता चल जाता है 6 मीटर की पाइप हो गई है। ये जो है कंप्लीट प्रोसेस होता है पाइप मैन्युफैक्चरिंग का। पीछे देख रहे हैं वो सारे एक्सट्रूडर ही हैं, और एक्सट्रूडर इस यहाँ पर ज़्यादा रखे गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्सट्रूडर हैं इनमें फिक्स डाया और फिक्स प्रेशर की पाइप बन रही है, और ज़्यादा टाइम लग जाता है एक ही एक्सट्रूडर डाई साइजर बिंडल चेंज करने में, पूरा दिन निकल जाता है, इसीलिए अलग अलग एक्सट्रूडर रखे गए हैं। फ्रेंड्स जो आप ये देख रहे हैं ये डाई है, 225 mm की डाई है, ये डाई है, और इसी डाई का जो है ये साइज़र है, ये साइज़र 226 mm का है, डाई से 1 mm बड़ा होता है साइज़र। उसके बाद जो ये दिख रहा है ये मिनरल है, ये मिनरल उसी डाई का मिनरल है, 187 mm का है, मिनरल छोटा होता है, इसकी डाई छोटी होती है। उसके बाद ये जो दिख रहा है इसको देसी भाषा में गुल्ला कहते हैं। अगर आप 225 mm की पाइप बना रहे हैं तो उसमें 2.5 kg/cm² के लिए 221 mm का गुल्ला लगेगा। जो आप ये देख रहे हैं इसको डीजी कहते हैं, ए डीजी जो है 350 kV का है। फिर उसके आगे जो दिख रहा है डीजी के आगे जो दिख रहा है इसको चिलर कहते हैं। चिलर का बेसिक काम होता है पानी को ठंडा करके एक्सट्रूडर में पहुंचाने का, जिससे जो है पाइप को ठंडा कर सके। तो ये रहा जो है कंप्लीट जो है प्रोसेस यूपीवीसी पाइप बनाने का एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड 4985/2000 के अकॉर्डिंग। थैंक यू।